हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं DLED थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नेम है आपका सूक्ष्म जीवों का संसार। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पहले तो सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना होगा, साथ साथ सूक्ष्म जीव की क्या क्या संरचना है, इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं, इन सभी के बारे में जानना होगा। और फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो क्या है, आपका भोजन या खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सूक्ष्म जीव का चैप्टर। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो नाम से ही ये समझ में आ रहे हैं कि सूक्ष्म मीन्स क्या होंगे, बहुत छोटे। जीव मीन्स जीव, यानी कि ऐसे जीव जिन्हें मनुष्य नग्न आँखों से नहीं देख सकता, क्या कहलाते हैं? आपके सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। साथ साथ इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है? सूक्ष्मदर्शी की। बिना सूक्ष्मदर्शी के हम इन जीवों को नहीं देख पाएंगे। बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहाँ किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं हम सूक्ष्म जैविकी में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इसको बोलते हैं। सूक्ष्म जैविकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीव का। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूक्ष्म जैविकी का जनक किसको कहा जाता है? तो सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले अध्ययन इन्होंने ही किया था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्होंने ही सूक्ष्म जैविकी की खोज की थी, इसीलिए इनको इसका जनक कहा जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत वैसे तो आपके चार प्रकार में बांटे गए हैं। पहला है आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। लेकिन कुछ लोग इसको वायरस को निर्जीव मान के इसमें से हटा देते हैं और कुछ लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आपको टोटल सूक्ष्म जीव कौन कौन से पढ़ने हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल, ठीक है। अब इनमें पढ़ना क्या होगा? तो बैक्टीरिया वायरस क्या हैं, इनकी संरचना कैसी है और इनसे क्या क्या होने वाले रोग हैं। साथ साथ आपके एग्ज़ाम में औषधियाँ पूछी जाती हैं, यानी कि मेडिसिन, कि बैक्टीरिया से कौन सी मेडिसिन बनती है, कौन सी एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक आपकी बनेगी, और कवक से कौन सी बनती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, सूक्ष्म जीवों की संरचना पे आते हैं। तो पहले है आपका जीवाणु। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो उन्हीं ने की थी जो आपके सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं, यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव जो है वो आपका एक कोशिकीय जीव होता है, और इसकी जो आकार है इसका वो गोल, छर्णुमा और सर्पिल आकार का ये होता है। ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? तो ये आपको जल, स्थल, वायु, इन सभी स्थानों पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका विषाणु, यानी कि वायरस। वायरस की खोज की थी आपकी सबसे पहले इवानोवस्की ने। और वायरस जो होता है वो प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड के बने एक परजीवी होते हैं। ये क्रिस्टल के रूप में सुरक्षित किए जा सकते हैं। क्रिस्टल के रूप वाला जो वर्ड है इसको अच्छे से तैयार करना। इनको क्यों क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। और आपको यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया था कि जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है वो किसको कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है वायरस को। ये स्क्रीन पर देखिए आपके सामने ये जीवाणु रहे सर्पिल आकार के, स्पाइरल आकार में, और ये छर्णुमा जीवाणु रहे। ऐसे ही आपको कुछ ये वायरस देखने को मिलेंगे। ये इनकी आकृति होती है। तो आकृति इनकी कोई निश्चित नहीं होती कि कैसे ये देखने में आपको लगेंगे। आकृति विभिन्न आकार के पाए जाते हैं, बस गोल है, सर्पिल है, कुछ अलग अलग आकार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटोजोआ शब्द आपका प्रोटोजोयन से बना हुआ है, जिसमें प्रोटो का अर्थ होता है पहला और जोयन का अर्थ होता है जंतु। अर्थात ऐसे ये वे जंतु हैं जो सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये वे जंतु हैं जो सबसे पहले प्रकट हुए थे। ये भी आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, और इनकी जो आकृति और आकार है विभिन्न आकार के ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कवक और फंगी की। तो ये तो आपने अपने आसपास देखे भी होंगे बहुत सारे। फफूंद बोलते हैं, फफूंद आपने देखा होगा ना। फफूंद इसी का एग्जांपल है, जो ब्रेड वगैरह पे या फिर रोटी पे लग जाती है। इसको आप घर पे भी देख सकते हो कि जब सब्जी वगैरह हो या खाना जो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर आपको कई सारे फफूंद देखने को मिलती है। वही ये एग्जाम्पल है फफूंद कवक का। तो इनमें प्रायः पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। आपने कवक को देखा भी होगा, वो हरे कलर की नहीं होती, इनकी पर्णहरिम उसमें कुछ कुछ वो वाइट कलर में होती है, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, इस टाइप में होती है कुछ कुछ। और ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या है कि दूसरों से भोजन प्राप्त करना, मृतोपजीवी मरे हुए सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करना, और सहजीवी का मतलब है कि किसी के साथ रह के, यानी कि कुछ उसको देना और कुछ उससे लेना, सहजीवित, ठीक है। इसमें आपका लाइकेन का एग्जाम्पल आता है। ये शैवाल के साथ सहजीविता का जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वो है आपका लाइकेन। लाइकेन में आपका शैवाल और कवक दोनों होते हैं, तो वहीं से आया है ये सहजीवी। नेक्स्ट इनकी संरचना की बात करें तो
धागे नुमा कवक सूत्रों से ये बने होते हैं, और ये जो धागे नुमा कवक सूत्र हैं ये आपके सेलुलोज और काइटिन के बने हुए होते हैं। बस इतना ही इसमें तैयार करना है। नेक्स्ट बात करते हैं शैवाल की। तो शैवाल आपके जो है वो पर्णहरिम नामक पदार्थ के, इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। ये आपने देखा होगा जो आसपास नहीं आपको तालाब वगैरह के आसपास जहाँ जल जलीय वो होता है नमी वाला, वहाँ पे हरे हरे बहुत सारे दिखेंगे एल्गी। और ये अपना जो भोजन है खुद ही बनाते हैं, जिसके पास पर्णहरिम होगा वो अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे। कुछ शैवाल जो हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। लाइकेन जो है आपका वो शैवाल प्लस कवक यानी कि इनकी सहजीविता का उदाहरण लाइकेन, और लाइकेन आपका वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक भी माना जाता है। ठीक है, SO2 वगैरह का आपने डिटेल में पढ़ा होगा जब वायु प्रदूषण, तो वहाँ पर आपको मिलेगा लाइकेन। वायु प्रदूषण के बारे में बताते हैं कि कहाँ पर वायु ज़्यादा प्रदूषित है या कहाँ कम प्रदूषित है, इसलिए ये प्राकृतिक सूचक बोले जाते हैं वायु प्रदूषण की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं एल्गी, एल्गी स्पायरोगायरा वगैरह, ये एल्गी हो गई आपकी। प्रोटोजोआ में आपका अमीबा पैरामीशियम आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ कवक की बात करते हैं तो कवक में आपको राइजोपस जो आपको ब्रेड वगैरह के ऊपर देखने को मिल जाती है, पेंसिलिन मिलती है, ठीक है, और आपके ये रहा एस्परजिलस। ठीक है, तो इनके नाम वगैरह याद नहीं करने, बस इनको आपको दिखा दिया कि ये कवक कैसे होते हैं, वरना एक दिमाग में ये रहता ना कि अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जब तक चित्र ना देखे। साइंस की ये बड़ी अच्छी खास बात है कि जब तक हमें डायग्राम ना देखने को मिले तब तक इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में, तो इसलिए ये देख लीजिए प्रोटोजोआ वगैरह है और ये आपका फंगी यानी कि कवक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका है फिर सूक्ष्म जीवों के लाभदायक उपयोग, यानी कि कौन कौन सी जगह हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं और उनसे हमें लाभ होता है। तो सबसे पहला है घरेलू उत्पादों के निर्माण में, जैसे दही हो गया, इडली, डोसा, पनीर, इन सभी के निर्माण में करते हैं। ब्रेड वगैरह के निर्माण में भी इन्हीं का यूज़ होता है सूक्ष्म जीवों का। नेक्स्ट औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में शराब वगैरह जो बनती है वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रतिजैविक के निर्माण में, और आपका यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जीवाणु से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैविक के नाम लिखो। ठीक है, तो एक तो आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपने सुनी भी होगी, और एक नेक्स्ट है आपका नियोमाइसिन यहाँ पर, और तीसरा नाम मैंने लिखा हुआ है पॉलीमिक्सिन। ठीक है, पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है नियोमाइसिन, और तीसरी आपके सामने पॉलीमिक्सिन। नेक्स्ट कवक से प्राप्त होने वाली जो प्रतिजैविक है ये बहुत पूछी जाती है आपसे, इसको तैयार कर लेना। पेंसिलिन है आपकी कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविक। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अगला उपयोग क्या है, जैव उर्वरक के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि बोल सकते हो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। जैसे आपने राइजोबियम का सुना होगा, राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ठीक है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण संशोधन में भी आपका पर्यावरण शोधन में भी आपका सूक्ष्म जीवों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके लाभदायक उपयोग हो गए। हानिकारक उपयोग की बात करें तो हानिकारक उपयोग क्या है कि हानियाँ सीधे सीधे बोल सकते हो कि इनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं हमें। तो इनसे जो होने वाली हानियाँ, सबसे पहला क्या है, मनुष्य में रोग कारक यानी कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करते, पैदा करने का काम करते हैं, रोग का वाहक करने का काम करेंगे। सेम जंतुओं में भी यही आपका रहेगा रोग कारक, पौधों में भी इनसे होता है। आपका गेहूं में पूछा गया था कि गेहूं निम्नलिखित में से किस में कंडुआ रोग होता है, तो गेहूं में आपका कंडुआ रोग होता है। वही बात है कि इतना सिलेबस आपका दे दिया है ना साइंस में, रोग वो ऐसे हैं आपके कि मैं आपको सिर्फ जो मनुष्य में आपके होने वाले रोग हैं वो मैं बताऊंगी, क्योंकि बेसिक इनसे ही पूछा आपसे जाता है। आगे भी अगर आपसे कोई जनरल साइंस के क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनते हैं। ये जो पौधों वगैरह के रहे ये आपसे रोग बहुत कम पूछे जाते हैं, बस एक बार अब शायद वो बैक पेपर हो जो भी हो, आपका कंडुआ रोग आया हुआ है कि कंडुआ रोग किस में होता है, तो आपका गेहूँ में होता है। ठीक है, कंडुआ। तो इससे हानियां क्या क्या होती है सूक्ष्म जीवों से, पहला है मनुष्य में रोग कारक के रूप में रोग कारक, जंतुओं में रोग कारक, पौधों में रोग कारक, और भोजन में विषाक्तता, यानी कि भोजन खराब भी किसके कारण होता है आपका, सूक्ष्म जीवों के कारण। नेक्स्ट जो आपका था जीवाणु से होने वाले रोग, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि इनसे रोग होते हैं, तो हम पढ़ते हैं आपके जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले, प्रोटोजोआ से और कवक से, क्योंकि तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीवों से क्या क्या हानियाँ होती, तो सीधे सीधे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि रोग का वाहक करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला जीवाणु है सूक्ष्म जीव आपका, जिससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं आपके, तो इसके लिए ट्रिक आप याद कर लो, पंडित का टीका न्यू है। पंडित से क्या हो जाएगा आपका, प्लेग, डी से डिप्टीथीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी,
फिर का से कोड, ठीक है, और टी से टिटनेस और टाइफाइड, न्यू से न्यूमोनिया और है से हेजा, ठीक है। इस तरीके से इनको याद कर लो, प्लेग, डिप्टीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कोड, टिटनेस, टाइफाइड, न्यूमोनिया और हैजा, ये सभी जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। और ट्रिक आपकी रही, पंडित का टीका न्यू है। नेक्स्ट आपका है विषाणु से होने वाले रोग, तो विषाणु से आपका रेबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुत्ते के काटने से होता है रेबीज़। चेचक, चेचक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चेचक। छोटी माता, खसरा, पोलियो, एड्स, गलसुआ, चिकनगुनिया, ये सभी क्या है, विषाणु से होने वाले रोग हैं, जिसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पोलियो, रेबीज, चेचक, और ये खसरा, छोटी माता और चिकनगुनिया एक जैसे, तो ये तो आपको याद रहेंगी, इन सभी को याद कर लेना, और खासकर एड्स, ठीक है। ये चार जो है आपके, तीन चार हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं वो क्या है आपके, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिश, सोने की बीमारी, ठीक है। इनमें जो आपका ट्रिक है आपकी, वो है पापा काम पे सोते हैं, तो पापा के जो पा है, पा से क्या हो जाएगा आपका, पायरिया, कालाजार, काम से हो जाएगा, काका जो काम है वो, उससे कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिश, और सोते हैं से सोने की बीमारी, तो इसको इस तरीके से याद करो। नेक्स्ट है आपका कवक से होने वाले रोग, तो कवक से जो रोग होते हैं वो होते हैं दाद, खाद, दमा, एथिकल फूट और आपका गंजापन, तो इसकी ट्रिक है गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद यानी कि गंजा से गंजापन, दमा दमाद जो था उससे दमा हो जाएगी, और जो दा बचा है इससे आपकी दाद हो जाएगी, खाए से खाज और फ्रूट से एथिकल फ्रूट, इसको हाथी पाव भी बोलते हैं, तो ये आपके कवक से होने वाले रोग हैं। तो इन सभी रोगों को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में आपका है क्या, सूक्ष्म जीव है, और सूक्ष्म जीव से वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ने को, इनका जनन वगैरह बहुत कुछ आपका दिया गया है, लेकिन उनसे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आपका जो सिलेबस था उसमें क्या था, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनकी संरचना के बारे में, और साथ साथ जो मेन था आपका क्या, कि इनका क्या उपयोग है, इनसे क्या लाभ होता है और क्या क्या हानियाँ होती हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट है, सबसे पहला, दाल वाले पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है, तो आपको बता दूं दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ईस्ट, ईस्ट एक कवक होता है, खमीर बोल सकते हो, ब्रेड वगैरह जब बनती है या पिज्ज़ा वगैरह में भी ईस्ट डालते हैं उसके डो में, आपने देखा होगा शायद, तो वहाँ पर ये ईस्ट क्या है आपका, कवक है ये, ठीक है। नेक्स्ट दही, दही में उपस्थित बायर वो जीवाणु के बारे में आप जानते हैं क्या है, लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही जमता है। पेंसिलिन की खोज किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी प्रतिजैविक की पेंसिलिन किससे बनाई जाती है, इसका आंसर आप मुझे अभी बताएंगे, ठीक है, सभी लोग आंसर इसका टाइप करेंगे, पेंसिलिन किसका प्रतिजैविक, यानी कि किस जीवाणु से, सॉरी जीवाणु कह रही हूँ, किस सूक्ष्म जीव से पेंसिलिन बनाई जाती है। पेंसिलिन की खोज आपकी की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और डबल रोटी में जो बनती है, डबल रोटी उसमें किसका यूज़ करते हैं, ईस्ट का, तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, कुछ नोट पॉइंट है जो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जो आपका है भोजन का परिरक्षण जो टॉपिक है इसके साथ, ठीक है। आपका जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में वो क्या रहने वाला है, भोजन का परिरक्षण, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होंगी इसमें, स्टरलाइजेशन विधि वगैरह है आपकी, बहुत सारे क्वेश्चन से ये ऐसा कुछ आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी था, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करा करिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है बच्चों का मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम तैयारी करा रहे, फिर लास्ट टाइम पे 3 दिन में आप कितना तैयार कर लेंगे, तो साथ साथ तैयारी करते हुए चलिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।